मेरे को तो यार आपने नेशनल टेलीविजन के ऊपर बोला, सुबेर आ रहा हूँ मैं तेरे पास, कसम खुदा की तेरे को कुत्ता नहीं बनाया तो मेरा नाम सलमान खान नहीं। आपको चैलेंज दे रहा हूँ सलमान खान साहब, और आपने जो मुझे कहा था सेम वर्ड टू वर्ड, एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड, आप वो लॉरेंस बिश्नोई को कहिए तो मैं समझूंगा कि आप रियल हीरो हो, आप रियल टाइगर हो, वरना पैसे लेके तो रोड पे भांड भी नाचते हैं। सॉरी बोलना भी ना, एक इंसान जो है ना बड़ा होता है, तो आप तो सॉरी ना किसी का लेते हो ना किसी को बोलते हो, तो आप कैसे मुसलमान हो यार? ये हमारे हिंदुस्तानी मीडिया का सबसे बड़ा वाहियात चीज़ अगर हमारी हिंदुस्तानी मीडिया में कुछ वो है ना, कि हम विलन को हमारी मीडिया हीरो बना देती है, कि लोग उनको हीरो मानते हैं, उसकी डीपी रखते हैं। आई एम वेरी हैप्पी विद मुंबई पुलिस, इन्होंने एक वो निकाला सर्कुलर कि कोई भी अगर दाऊद इब्राहिम और लॉरेंस बिश्नोई का अपना डीपी रखता है या प्रोफाइल पिक्चर रखता है, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, उन पर केस होगा। और मैं सलमान खान साहब से भी ये कहूँगा कि सलमान भाई माफ़ी मांग ले, आपने नहीं किया, आपने काले हिरन को नहीं मारा, फिर भी आप माफ़ी मांगिए तो इंशाल्लाह बिश्नोई समाज आपके सपोर्ट में रहेगा, लॉरेंस के अगेंस्ट में रहेगा। कब से हम लोग वो सुन रहे हैं काला ची उसका ब्लैक बक का शिकार, फिर अभी लॉरेंस बिश्नोई, पक गए यार, मीडिया वाले भी एकदम पका दिए। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसको ला क्यों नहीं रहे, उसकी जान इतनी यानी अजीज़ है कि उसको बचा रहे। सलमान खान चले जाए, बाबा सिद्दीकी चले जाए, ज़ीशान सिद्दीकी चले जाए, लेकिन वो क्रिमिनल साबरमती जेल में सेफ एंड साउंड रहना चाहिए। तो फिर आप जो बकैती करते रहते हो ना इसके बारे में, ऐसा बात करते हो सलमान तुम्हारे साथ खाना खाया, तुम्हारी पप्पी का लड़का है कि तुम्हारी खाला का लड़का है? आप जीता जागता वो एग्जाम्पल है जिसका पल में, जिसको कहते हैं कि पल में जिसका अस्तित्व मिट जाना, आपका ठीक उसी तरह से हुआ। बिग बॉस हाउस में गए, एक हफ्ते के अंदर अंदर आपका पूरी पहचान जो है वो मिटा दी गई एक शख्स की वजह से, ठीक है। अब जब उस पल को याद करते हैं, हालांकि इतना वक्त हो गया है, लोग आपको उसी वजह से याद करते हैं, फिर भी जब आप उस वक्त को याद करते हैं तो आपको क्या लगता है, क्या महसूस होता है? बुरा लगता है, गुस्सा आता है, चिढ़ होती है, नफ़रत होती है जिस इंसान ने मेरे साथ में बहुत कुछ बोला नेशनल टेलीविज़न के ऊपर, जो मेरे बच्चे भी देख रहे थे, मेरी माँ भी देख रही थी, मेरे रिश्तेदार सब देख रहे थे। तो ये दुनिया का उसूल है, कमज़ोरों को हमेशा जब से दुनिया बनी है दबाते आया जा रहा है, ताकतवर हमेशा, देखो एक सेल्फ रिस्पेक्टेड इंसान होगा ना वो कभी भी अपने से बड़े आदमी के ऊपर लफड़ा करेगा उसके साथ में, और जो एरोगेंट इंसान होगा ना, एरोगेंट, वो हमेशा छोटों के ऊपर ताकत दिखाएगा। तो ये एरोगेंस और ये चीज़ समझ में आती है। और मेरे को तो यार आपने नेशनल टेलीविज़न के ऊपर बोला, सुबेर आ रहा हूँ मैं तेरे पास, कसम खुदा की तेरे को कुत्ता नहीं बनाया तो मेरा नाम सलमान खान नहीं। मैंने तो आपके साथ कुछ भी गलत नहीं किया था ना सलमान खान साहब, आप तो एक शो के होस्ट है, आपके साथ मैंने कुछ गलत नहीं किया था। जो इंसान आपके साथ इतना गलत कर रहा है जेल में बैठ के, आप एक वीडियो बनाओ और बोलो लॉरेंस बिश्नोई कसम खुदा की तेरे को मैंने कुत्ता नहीं बनाया तो मेरा नाम सलमान खान नहीं। क्यों डर रहे हो भाई आप, बोलो ना, आपको लोग हीरो बोलते हैं, स्टार बोलते हैं, तो सिर्फ कमज़ोरों के ऊपर ताकत, ठीक है, उस चीज़ को माफ़ कर दी मैंने, मेरी माँ तो मर गई, इस दुनिया से चले गई, लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि आप इस दुनिया से जाओ, आपके माँ बाप को वो तकलीफ़ हो, क्योंकि जो मैंने तकलीफ़ झेली है ना वही इंसान समझ सकता है दूसरों को क्या, एक भूखा ही दूसरे भूखे की भूख समझ सकता है, तो उनका पेट भरा हुआ था तो मेरी तकलीफ़ उनको समझ में नहीं आई। तो ठीक है, आपको चैलेंज दे रहा हूँ सलमान खान साहब, और आपने जो मुझे कहा था सेम वर्ड टू वर्ड, एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड, आप वो लॉरेंस बिश्नोई को कहिए तो मैं समझूंगा कि आप रियल हीरो हो, आप रियल टाइगर हो, वरना पैसे लेके तो रोड पे भांड भी नाचते हैं, ठीक है। माँ याद आती है क्योंकि आपने कहा मेरे ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी
बिग बॉस हाउस में जाना। भले ही करियर वाइज आपको उतना पछतावा नहीं होगा, लेकिन माँ जो ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहम रखती है किसी भी शख्स के ज़िंदगी में, आपको इस दुनिया में लाने वाली, जब उस शो की वजह से आपकी माँ चल बसी, इस चीज़ के लिए कितना खुश। हाँ, मैं शो से बाहर आया विद इन 6 मंथ्स मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया। बहुत सारी चीज़ें मैंने झेली, मेरी अम्मी ने झेली, तो जो तकलीफ़ मैंने झेली है, मैं सलमान खान साहब आपके लिए बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि वो चीज़ आपको हो। क्यों, माँ को खोना क्या होता है ना, वो मुझे पता है। हर इंसान जो अपने माँ बाप से प्यार करता है ना, उसके दिल में एक टीस उठेगी। जो मुझसे रिलेट कर पाएगा, जो अपनी माँ से प्यार करता होगा ना, वो समझ सकता होगा मेरा दर्द कि मेरी माँ इस दुनिया से गई तो मुझे क्या महसूस होता होगा। अकेलापन, रोना, डर, उनकी कब्र पे जाके रोना, बात करना, हंसना, वो सारी चीज़ याद करके, और दुख भी होता है। लेकिन मैं सलमान भाई के लिए ये कहूँगा कि आप सलामत रहो, आपके माँ बाप भी सलामत रहे, माँ बाप का साया आप पर सलामत रहे, आपका साया आपके माँ बाप के लिए सलामत रहे। ये मेरी दुआ है आपके लिए। आपने तो मेरे लिए बुरा किया, लेकिन मैं मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ये करा, आप मेरे लिए बुरा किए, आपने मेरे काम धंधे पे, मेरे पेट पे लात मारे, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी एक शो की खातिर, एक शो की खातिर। फिर रजत शर्मा के शो पे आप बोल रहे हो, हाँ हाँ वो आर्ग्यू कर रहा था, ठीक है, फिर बाद में मुझे लगता इसकी क्या ज़रूरत थी। सॉरी बोलना भी ना, एक इंसान जो है ना बड़ा होता है, तो आप तो सॉरी ना किसी का लेते हो ना किसी को बोलते हो, तो आप कैसे मुसलमान हो यार। लेकिन उसके बाद जब रजत शर्मा के शो पर उन्होंने कहा कि हाँ शायद वो उन्होंने गलत किया था, वहाँ पर उन्होंने एक्सेप्ट किया, उसके बाद आपको कोई कॉल या उनकी टीम की तरफ से, या आपको कोई मदद का हाथ उनकी तरफ से पड़ा? अरे बाबा, ये लोग वहीं मदद करते हैं जहाँ 200-300 मीडिया के कैमरा होते हैं। मैं कैमरा से दूर भागता हूँ, आपको भी पता है मैं कब से आपको टाल रहा हूँ इंटरव्यू देने के लिए, मुझे पसंद ही नहीं है। क्योंकि मेरा मानना ऐसा है, क्योंकि हम जो ग्रुप, आई एम वेरी ओल्ड स्कूल, मैं वो जेंजी वाला फंडा नहीं है, मैं बहुत ओल्ड स्कूल हूँ, मेरे फंडे भी ओल्ड स्कूल है। मेरा ये मानना है कि अगर आपके पास टैलेंट होगा ना, तो आपको ये सब हरकतें करने की ज़रूरत नहीं है, छिछोरपन। जैसा खाने में अगर स्वाद के लिए अचार लेता है आदमी दाल चावल के साथ कि टेस्ट इन्हांस हो जाए, सिर्फ अचार ही अचार खाने से नहीं होने वाला। तो ये आजकल जो सोशल मीडिया पे नंगे होके आ जाते हैं और सो कॉल्ड पैपराजी बोलते हैं, ये पैपराजी नहीं है, ये एक पेड पीआर है। एक 5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया 2 महीना, ये सारे मीडिया वाले आएंगे एयरपोर्ट पे, हजाम की दुकान के बाहर। मैं तो दुआ करता हूँ सुलभ शौचालय के बाहर भी खड़े रहो, हकते हुए भी देखो भाई आगने जा रही है फलानी हीरोइन, ये भी तो दिखाओ, जनता को मालूम तो पड़े ये भी हकते मुत्ते हैं। नो, सलमान खान लॉरेंस बिश्नोई के लिए एक वीडियो बनाए और डाले, अगर वो हिम्मत वाले हैं तो। सलमान खान के घर के ऊपर फायरिंग की गई, लेकिन सलमान खान को इतने दिनों से धमकी मिल रही है, जिनको उनको अभी तक के कुछ भी नहीं किया। हाल ही में जैसे फायरिंग बाबा सिद्दीकी पर हुई, अब मैं उसको रेफरेंस अगर दे के जाऊँ, लोग कह रहे हैं कि सलमान खान की वजह से बाबा सिद्दीकी ने अपनी जान गंवा दी। देखिए, बाबा सिद्दीकी भाई मरहूम की अल्लाह मग़फ़िरत करे, वो एक अच्छे इंसान थे, सखी थे, वो पार्टी देते थे, क्या करते थे, उससे ये नहीं। अभी मरहूम हो गए, उनकी दुआ करो। तो मेरा मानना ये है कि बहुत अच्छे सखी इंसान थे। उनका बेटा ज़ीशान भी जो है ना, वो भी सखी है। आप लॉकडाउन में देखो, कई हज़ारों लाखों इन लोगों ने लोगों के घर में राशन पहुँचाया है, दूध, हर चीज़ ज़रूरत की चीज़ है। तो अल्लाह ने आपको दिया है, आपने लोगों तक मदद की, आपने कोई एहसान नहीं किया, आपने कोई एहसान नहीं किया, आपने लोगों की मदद की, आपने बहुत अच्छा काम किया। और लेकिन ये जो मीडिया में चल रहा ना बिश्नोई, वो एक्चुअल में वैसा नहीं है। ये लोग धरने पे बैठे हुए थे, ज़ीशान सिद्दीकी, बाबा सिद्दीकी साहब मरहूम, ये लोग धरने पे बैठे हुए थे। कुछ भाई वो ज़माने चल गए, दोस्त के लिए दोस्त जान दे देता था, ऐसा कुछ नहीं होता अभी। और अल्लाह बाबा सिद्दीकी साहब मरहूम की मग़फ़िरत करे, ज़ीशान सिद्दीकी को और उनकी पूरी फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए। ये एक्चुअल जो मीडिया हाइप कर रही है ना, लॉरेंस बिश्नोई सलमान के घर के ऊपर फायर किए, आज 6-8 महीने हो गए,
क्यों नहीं ला रहे हो उसको अहमदाबाद उसकी साबरमती जेल से महाराष्ट्र मुंबई की जेल में, तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसको ला क्यों नहीं रहे। उसकी जान इतनी यानी अजीज़ है कि उस वो बचा रहे, सलमान खान चले जाए, बाबा सिद्दीकी चले जाए, ज़ीशान सिद्दीकी चले जाए, लेकिन वो क्रिमिनल साबरमती जेल में सेफ एंड साउंड रहना चाहिए। तो मुझे कहीं ना कहीं ये थोड़ी शक की सुई लगती है। और जहाँ तक मेरी नॉलेज है, आई एम नॉट यानी कन्फर्मिंग दिस, जो SRA प्रोजेक्ट था बैंड्रा BKC में, उसके लिए ज़ीशान सिद्दीकी और बाबा सिद्दीकी मरहूम जो है वो भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे। हज़ारों करोड़ का प्रोजेक्ट था। तो जहाँ तक एक बोलते हैं ना एक आम इंसान की नॉलेज होती है, जो खबर पहुँची है, तो उसमें यही पता चला है कि वो कुछ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था SRA का प्रोजेक्ट का, तो उसकी वजह से शायद हुआ है। अब वो पुलिस ज़्यादा जानती है कि क्या सही है क्या गलत है, इसमें लॉरेंस बिश्नोई का क्या एंगल है और कितने क्या हुए, वो वक्त आएगा तो वो बताया जाए, यानी सबको पता चलेगा, टाइम विल टेल। ये हमारे हिंदुस्तानी मीडिया का सबसे बड़ा वाहियात चीज़, अगर हमारी हिंदुस्तानी मीडिया में कुछ वो है ना कि हम विलन को हमारी मीडिया हीरो बना देती है, चाहे वो बॉम्ब ब्लास्ट के आरोपी हो, उनको इतना हाइप, इतना ऐसा ये वो करके दिखाते कि लोग उनको हीरो मानते हैं, उसकी DP रखते। आई एम वेरी हैप्पी विद मुंबई पुलिस, इन्होंने एक वो निकाला सर्कुलर कि कोई भी अगर दाऊद इब्राहिम और लॉरेंस बिश्नोई का अपना DP रखता है या प्रोफाइल पिक्चर रखता है, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, उन पर केस होगा। तो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट, क्योंकि कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मैसेज जाना चाहिए ना, कोई साधु संत थोड़ी है वो लॉरेंस बिश्नोई। और मैं सलमान खान साहब से भी ये कहूँगा कि सलमान भाई माफ़ी मांग ले, आपने नहीं किया, आपने काले हिरन को नहीं मारा, फिर भी आप माफ़ी मांगिए तो इंशाल्लाह बिश्नोई समाज आपके सपोर्ट में रहेगा, लॉरेंस के अगेंस्ट में रहेगा, और मेरे हिसाब से आप जो माफ़ी मांगते हैं ना उसकी इज्जत घटती नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि झुक जाना, अगर तुमको लगता है कि तुम्हारी इज्जत कम हो गई तो इंशाल्लाह हश्र के मैदान में उससे डबल इज्जत मैं दूँ। तो माफ़ी मांगना, माफ़ करना, ये रहम दिल होने की निशानी है। पैसा है, मदद कर रहे हो तो हर कोई करता है, लेकिन ठीक है ख़त्म करो ना ये टॉपिक। कब से हम लोग वो सुन रहे हैं काला ची उसका ब्लैक बक का शिकार, फिर अभी ये लॉरेंस बिश्नोई, पक गए यार, मीडिया वाले भी एकदम पका दिए। तो सलमान भाई ख़त्म करो बात को यार, आप थे नहीं थे, माफ़ी मांगो, ख़त्म करो। कोर्ट भी ऐसा बोलेगी कि हाँ यार चल ठीक है ख़त्म हो गया, अभी उन लोग भी केस वापस ले लेंगे। समझदार को इशारा काफ़ी है, अब मैं ना समझ हूँ फिर भी समझदारी की बात कर रहा हूँ। लेकिन आपके मामले में जब सलमान खान के ऊपर आपने केस करने का ट्राई किया था तो आपको कई जगहों से कॉल रिसीव हुआ, ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई तो सलमान खान को खुलेआम फायरिंग देने करने की धमकी दे रहे हैं और वो कह रहे हैं मैं जहां भी मुझे सलमान खान दिखेगा मैं उनको मार डालूंगा, ऐसे में सलमान खान ने अभी तक कोई स्टेप क्यों नहीं उठाया? देखिए सलमान खान साहब को जो लॉरेंस धमकी दे रहे हैं और ये मीडिया वाले बोल रहे हैं, ये आम पब्लिक जो सोशल मीडिया पे बोल रही है सलमान भाई जवाब दो, ईट का जवाब, देखो सर ये लोग जो है ना फिल्म के अंदर जो भी मार धाड़, 100 लोग को एक पंच मारे ये उड़ रहे हैं, ये फिल्मों में होता है, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो धमकी मिली आज कितने बॉडीगार्ड लेके घूम रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं होता। आम जनता आप बेवकूफ़ मत बनिए ना, आप भी थोड़ा अक्लमंद बनिए, होश के लड्डू खाइए, ये सब चीज़ है। बारे में बात करूं, आप पॉलिटिक्स के हिस्सा रह चुके हैं, आपके पॉलिटिक्स से पीछे कदम हटाने की क्या मतलब? नहीं नहीं मैं मुझे पॉलिटिक्स बहुत पसंद है एज अ सेवा के तौर पे, हाँ, लेकिन इसको आजकल लोगों ने एक बिजनेस बना दिया है, एक प्रोफेशन बना दिया है कि व्हाट यू डू आई एम अ पॉलिटिशियन, तो हर गली मोहल्ले नुक्कड़ में आपको पॉलिटिशियन मिल जाएंगे, एक बिल्डिंग में चार चार पॉलिटिशियन मिल जाएंगे। तो सेवा के लिए अगर आप कर रहे हो तो अच्छी बात है, मैं सिर्फ सेवा के लिए करता हूँ। और जहाँ तक मैं पीछे नहीं हटाऊँ, मैं 95 से
एक्टिव हूँ पॉलिटिक्स में और अभी भी हूँ। मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है पॉलिटिक्स, वर्ल्ड अफेयर्स, ये सब चीज़ों के बारे में नॉलेज रखना, अलग अलग चीज़ों पे डॉक्यूमेंट्री मालूमात रखना, एक जनरल नॉलेज बढ़ता है, मुझे पसंद है ये। एक गुंडे को हीरो बनाना या देश की जनता जिस हिसाब से बना रही है, कितना सही है आपको? ये हमारी हिंदुस्तान के यंगस्टर्स के लिए इतना गलत मैसेज जा रहा है ना, ये मीडिया जो लॉरेंस बिश्नोई को हीरो बना रही है, इतना गलत मैसेज जा रहा है बाबा। आप आने वाली जनरेशन को क्या, पहले की जनरेशन हमारे टाइम में थी कुछ झगड़ा होता, अरे क्या अपने आप को दाऊद भाई समझता है क्या? लोग पब्लिक ऐसा बोलती थी, अभी आज वो आप लोगों ने नरेशन चेंज किया, अपने आप को विष्णु ही समझता है क्या? अरे आप गैंगस्टर्स को आप लोग हीरो बना रहे हो, लाइमलाइट में रह रहे हो, आप ऐसा बिल्कुल मत करिए। हमारी यंग जनरेशन ख़राब हो रही है बॉस, उनको क्विक मनी दिख रहा है कि बोले ना हिंग लगी ना फिट करिए, रंग भी चौका है तो कोई पैसा नहीं लगाना है, फ़ोन घुमाना है, धमकी देना है, ये सब करना है, तो ये सब चल रहा है। मीडिया ज़िम्मेदार है गैंगस्टर्स को, विलन्स को हीरो बना के प्रेजेंट करना, तो आई टोटली ब्लेम इंडियन मीडिया फॉर दैट। नहीं कोई नहीं डरा हुआ है, अभी आप देखो रमेश तुरानी की पार्टी, आप ही गए थे ना कवर करने के लिए, आप लोग गए हुए थे रमेश तुरानी की पार्टी, फिर सब पार्टी करे, कोई डरा हुआ नहीं है बाबा, ये सिर्फ मीडिया का हुआ है, कोई डरा हुआ नहीं है, सलमान भाई भी नहीं डरे हुए, लेकिन एक एज अ गवर्नमेंट बोलते ना पुलिस प्रोटेक्शन, वो सिक्योरिटी इसलिए मिली है कि भाई एक क्या बोलते हैं इसको, हाँ यानी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो वो उस हिसाब से उनको किया हुआ है, तो ऐसा कोई नहीं है, सलमान भाई ऐसा कोई डरे हुए नहीं है समझे, जहाँ तक हमारी नॉलेज है सलमान भाई भी डरे नहीं है इस चीज़ से, लेकिन ये है कि मीडिया इसको हाईलाइट करके हाइप क्रिएट करके लॉरेंस बिश्नोई को हीरो मत बनाओ, ये मेरा एक कहना है इंडियन मीडिया से, और आप जनता से भी ये कहना है कि अगर आपको किसी का फैन बनना है तो किसी फिल्म स्टार के, किसी क्रिकेटर के फैन मत बनिए, क्योंकि क्रिकेटर देश के लिए खेल रहा है लेकिन पैसे ले रहा है ना, जान तो नहीं दे रहा है, और जो फिल्म स्टार है वो भी आपको एंटरटेन कर रहा है, तो पैसे लेके आप थिएटर में जा रहे हो फिल्म देखने के लिए, आपको फ्री में कुछ नहीं कर रहे वो लोग। अगर आपको फ़ैन बनना है तो अपने माँ बाप के फ़ैन बनिए, जो आपको पाल पोस के बड़ा करने के लिए बड़ी मुशक्क़तें करते हैं, बहुत तकलीफ़ें उठाते हैं, बहुत कुछ झेलते हैं, और बहुत कुछ झेलने के बाद में आप बड़े होते हो और आप, अरे मैं शाहरुख का फैन, मैं सलमान का फैन, मैं रोनाल्डो का फैन, मैं विराट कोहली, मैं सच, अरे नहीं भाई, आप प्यार करो इनको, इनके काम को अप्रिशिएट करो, लेकिन फ़ैन, अंधे फ़ैन मत बनिए, अंधभक्त मत बनिए, किसी पॉलिटिशियन के फ़ैन मत बनिए। माँ बाप के बाद अगर इस दुनिया में अगर आपको किसी का फ़ैन बनना है तो हमारे हिंदुस्तान की जो सरहदों पर फौजी खड़े हुए ना, जो चंद सिक्कों के लिए अपनी, बोलते हैं ना पैसों के लिए अपनी जान हमारे लिए कुर्बान करते हैं, बेस्ट सेक्रीफाइस, बिगेस्ट सेक्रीफाइस, अपनी ज़िंदगी दे देना। आज हम चैन से सो रहे ताकि वो वहाँ पर सरहदों पर जाग रहे तो हम चैन से सो रहे, तो उनके फ़ैन बनिए ना, उनको तो कोई नहीं जानता, कश्मीर में कोई गोली खा रहा है हमारे लिए, आसाम में कोई गोली खा रहा है, कोई क्या खा रहा है, तो उनके ही सपोर्ट बनिए, उनको उनकी फैमिली का आप वो किए ना फोटो, आप डीपी लगाना है कोई फिल्म स्टार की जगह पे, कोई देश के लिए शहीद हुआ है उसके, उसका डीपी लगाओ ना आपके प्रोफाइल पिक्चर में। आपने कहा था आप डिप्रेशन में हैं, कि आपका डिप्रेशन अब नहीं, मैं पिछले 18 सालों से मैं डिप्रेशन का पेशेंट हूँ, मैं मेडिकेशन पे हूँ, बहुत हैवी मेडिकेशन पे हूँ, मैं अभी जो गोली खा रहा हूँ, मैं बहुत सारी गोली खा रहा हूँ जिसकी वजह से मुझे बहुत पसीना हीट होती है, जनरेट होती है, तो बिग बॉस में आया तब भी उनको पता था कि मैं डिप्रेशन का पेशेंट हूँ, आई एम मेंटली अनस्टेबल, मेरे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, वो सब चीज़ होने के बावजूद भी एक कमज़ोर को दबाया गया, और चक्का गोल होता है दुनिया का, यानी सुई का काटा ऊपर जाता है वो नीचे भी आता है, रात होती है तो दिन होता है, दिन होता है तो शाम होती है, नथिंग इज़ परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। तो आज भी मैं मेडिकेशन पे हूँ, 100 mg गोली खाता हूँ, अगर किसी को मैं वो गोली खिला दूँ विद इन 5 मिनट्स वो 2-3 दिन के लिए आराम से ऐसा लामलेट हो जाएगा, वो गोली खाता हूँ, मुझे नींद नहीं आती है, तो
तो आप लोग जो है ना किसी के बारे में राय बना देते हो, किसी को जानते नहीं हो। आप सभी लोगों से मैं एक निवेदन करना चाहूँगा, इफ़ यू डोंट हैव माई नंबर, माई कॉन्टैक्ट नंबर, देन यू डोंट नो मी पर्सनली। तो फिर आप जो बकैती करते रहते हो ना इसके बारे में, ऐसा बात करते हो सलमान तुम्हारे साथ खाना खाया, तुम्हारी फुप्पी का लड़का है कि तुम्हारी खाला का लड़का है, तो हमको पता है हम 26-27 साल से इंडस्ट्री में कौन क्या है, कैसा है, कौन कितने बोलते ना पानी में है, बस यही है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हम जब इंटरव्यू के लिए आपसे पूछ रहे थे तो आपने कहा मैं शूटिंग में बिजी हूँ, मैं जानना चाहूँगी क्या है आने वाले समय में जो हमें देखने मिलने वाला है, जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं? नहीं, मेरी शूट नहीं थी, एड फिल्म की, छोटा मोटा काम बीच में मिलता रहता है हमारे दोस्त यार जो एड फिल्म के हैं। फिल्म वाले तो सब बोलते ना सड़ेले, एड वाले पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग होते हैं, तो उनके साथ काम, मैंने अपना करियर भी वहीं से शुरू किया था, मुकुल आनंद कंपनी मैड से, तो मेरा करियर भी वहीं से शुरू हुआ है। तो एड्स वालों के साथ काम करता रहता हूँ थोड़ा बहुत। जब मेरा वो वीडियो वायरल हुआ कि मुझे काम नहीं मिल रहा है, तो मेरे पुराने एड्स वाले दोस्त आए, उन्होंने मेरा सपोर्ट किया, फिल्म इंडस्ट्री वालों ने किसी ने सपोर्ट नहीं किया। चलिए, मैं आपको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी कि आप आगे हमें जल्द से जल्द दिखाई दे, और लकीर का फकीर जिस तरह से सक्सेसफुल रही है उसी तरीके से जो आप पार्ट टू जिस पर आप काम कर रहे हैं वो भी सक्सेसफुल हो, और जल्द से जल्द आप बॉलीवुड में वापस एंट्री मारे। और थैंक यू सो मच।